बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसे कि आपने बताया कि कल केपीके गवर्नर साहब ने जो फॉर्म 47 की हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हैं उनकी हैसियत इतनी नहीं है, कल वो की बात कर रहे थे कोई बिलो द बेल्ट, तो मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ आप कि आप गवर्नर हैं, आपका एक आईनी होता है, आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें, आपका ये काम नहीं है। इस दफा तो मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे रहा हूँ, लिहाज कर रहा हूँ उस कुर्सी का, जो कुर्सी आपकी है भी फॉर्म 47 के मुताबिक एक मेरे खाते में तो है इलीगल, इस दफा नहीं दे रहा हूँ। फिर दोबारा मैंने जवाब दिया, फिर मुझसे गिला ना करना कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, फॉर्म 47 के नुमाइंदे, ऐसी बात की है, इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा पोलिटिकल बयान से, कन्फ्रंटेशन से या बिलो द बेल्ट बयान से। आप परहेज करें, आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर, और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है, ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है जब घर बना के आपको दो कमरों की अलग सी पड़ी है ना नीचे, उस पर शिफ्ट कर दूंगा, अपनी औकात पे रहो, तुम गवर्नर हो सियासत तुम्हारा काम नहीं है, ना सियासी बयान दो, नहीं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है, कोई फॉर्म 47 वाला इस तरह के बयान आना, तो मैंडेट के साथ आया हुआ हूँ, इस दफा माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा, और दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊंगा कि छोटा हो यहाँ से, और अगर मैं खड़ा हो गया ना तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना उसी पे डी नोटिफाई भी हो जाओगे, ये तुम्हारी हैसियत है, एक लेटर मैंडेट नहीं है तुम्हारे पास, तो तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। थैंक यू, बहुत हासिल है मुझे, लेकिन हम कानून का एहतराम करते हैं, हम एक प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं कि ठीक है, हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे पे जो कुछ हुआ था वो इलीगल था, गलत था, और उसका सबूत ये है कि मैं आगे पेश हो रहा हूँ, मैं अपनी वो पावर या वो एग्जेम्पशन जो मुझे मिली हुई है एस चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला, मैं उसको नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं उसके बजाय पेश होकर ये सबूत दे रहा हूँ कि हम बेगुनाह थे। देखिए एक बात सुने, गवर्नर की इस वक्त सूबे के साथ या किसी भी काम में कोई ना हैसियत है ना कोई काम है उसका, नंबर वन। नंबर टू ये है कि ये तो मेरा शुक्रिया अदा करने आए कि चूंकि मैं यहाँ का एक वो बंदा हूँ डी खान का कि जिसकी वजह से आप जैसे बंदों को खैरात में पोस्टें मिल जाती हैं कि अली अमीन को जो काउंटर करना है तो डी खान से भी बंदा ले लो, तो तुम तो लगते ही मेरी वजह से हो, पहले जो तुम्हें मिला है वो भी मेरी वजह से मिला है कि मैं फेडरल मिनिस्टर था तो मौलाना साहब के बेटे को फेडरल मिनिस्टर बनाया गया डी खान से इसीलिए, और तुम्हें भी एक वही खैराती नोटिफिकेशन वाली क्योंकि मैंडेट तुम्हें मिलना नहीं है, अवाम ने तुम्हें मुस्तरद किया हुआ है, तुम्हें भी बना दिया था, अब फिर जो है मैं चूंकि अल्लाह ने और इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बना दिया तो उन्होंने कहा चलो अमीन को काउंटर करने के यहाँ से बना लो, बट गवर्नर हैज नो पावर्स टू काउंटर मी, स्टे इन योर बूथ, वो समझो अपनी हैसियत को, बाकी वो पुल ये मेरी पुल बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी पुल हूँ, मेरे साथ अवाम का 95% मैंडेट है, मेरी वो पुल है, ये कौन है मेरी पुल बनने वाला, अभी यार मैं देख रहा हूँ कह रहा है जी पेस्को चीफ को जो है ना जी कॉल करके, वो पेस्को चीफ से परसों रात मेरी बात हुई है, तुम तो मिले भी नहीं हो, झूठे यहाँ फिर रहे हो, मैंने यहाँ पे ऐसी साहब को बुला के अपने घर में बात करके कहा कि डी खान को रिलीफ देना है, और मैंने फिर उसके बाद फेडरल मिनिस्टर को बोला कि मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा तब तक रिलीफ दो और मेरा मसला हल करो, वो तुम्हारी क्या हैसियत है पुल बनने की, वो तू जा अपने पुल बन अपने वो सिंध वाले का, वो उधर बच्चे भूख से मर रहे हैं, 42 साल हुकूमत की है सिंध में टके का काम नहीं किया, तू यहाँ पे ड्रामे कर रहे, तू जब इलेक्टेड भी था यहाँ पर डी खान में वो डिप्टी स्पीकर था पाकिस्तान के इतने बड़े अहदे पे, तूने उस वक्त कुछ नहीं किया, तो तू अब गवर्नर बन गया तेरे साहब कुछ है ही नहीं, तो तू बातें कर रहा है, ये तुम्हारी मैं ग्रांड ही बंद कर रहा हूँ, जो तुम्हारी तुम्हें ग्रांट मिलती है वो भी बंद करूंगा, और अगर ज्यादा तू तमीज के दायरे में ना रहा और दोबारा तुमने इस तरह बिलो द बेल्ट बात की, तेरा मैं फ्यूल भी बंद कर दूंगा, तेरी गाड़ियां भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हैं, तुम्हारी मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, मुझे मजबूर ना कर, अपने काम से काम रख, तुम्हारा ये काम नहीं है, सियासी जंग है, तुम एक सियासतदान नहीं रहे हो, तुम फारिग हो चुके हो सियासत से, तुम चले गए हो इस काम से, यू आर नो मोर अ पॉलिटिशियन, एक ओहदे पे बैठे हो, अपने काम से काम रखो, वास्कट पहनो, शेरवानी पहनो, जाओ हेलो वेलो करो, टाटा करो अगर इधर से करना चाहते हो, वरना ऐसा ना हो कि फिर गाड़ी में तेल भी ना हो फिर गाड़ी भी ना हो।